नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज की अभी की इस वीडियो में मैं आपको हिमाचल प्रदेश की अभी की 3 बड़ी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं अभी दोपहर की जो पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हिमाचल विधानसभा महामहिम कोविंद बोले, कोरोना से लड़ाई में चैंपियन बना हिमाचल। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश ने 100% आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। कोरोना की लड़ाई में प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सदन में आह्वान किया कि हिमाचल एक दिन देश का सिरमौर बने। अगली न्यूज़ आपके सामने, शिमला में बेतरतीब पार्किंग ने बढ़ाई HRTC की टेंशन, बसों के संचालन में हो रही परेशानी। तो शिमला से न्यूज़ है कि राजधानी शिमला शहर में वाहनों के बेतरतीब तरीके से सड़कों के किनारे पार्क होने से HRTC बसों के संचालन में परेशानी हो रही है। मामले को लेकर RM लोकल HRTC ने छोटा शिमला थाना प्रभारी को पत्र लिखकर जो है सड़क किनारे अवैध रूप से पार्क वाहनों को हटाने की मांग की है। पुलिस को लिखे पत्र में प्रबंधन ने बताया कि बसंत विहार कॉलोनी, कुसुमपट्टी, परिमहल आदि क्षेत्रों में सड़क के दोनों ओर वाहनों की पार्किंग, जिस कारण सुबह शाम बसों के संचालन में परेशानी आ रही है। ऐसे में वाहनों को सड़क मार्ग से हटाया जाए। अगली न्यूज़ आपकी, अनु कलां के दंपति की एक साथ जली चिताएं, हर आंख नम, पूरा किया साथ जीने मरने का वादा। तो हिमाचल प्रदेश के हरिपुर से न्यूज़ है कि वर्षों पहले जब शादी के मंडप में बैठकर जो उन्होंने हर सुख दुख में भागीदार बनने और साथ जीने मरने का वादा किया था, वह एक दिन इस तरह सच होगा ना तो शायद उन्होंने सोचा होगा और ना ही शादी के गवाह बने वहां मौजूद लोगों ने। अनु कलां के इस दंपति ने न केवल सात फेरों के साथ वचन निभाए बल्कि जाते जाते एक कहानी भी लिख गए कि प्यार हमेशा अमर रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज दोपहर की जो है 3 बड़ी ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।